जय हिंद एवरीवन। और बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो कि कांस्टेबल पोस्ट आता है, चाहे वो SSCGD के कांस्टेबल हो, ITBP के कांस्टेबल हो, CAPF में कितने भी कांस्टेबल हो, आपको उसकी सैलरी को जानने की ज़रूरत होता है। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो सर्च कर रहे हैं। ये जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा XYZ करके, HR आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपके लिए पता नहीं चलता आपको, और वहाँ पर मिस्टेक्स भी आप काफ़ी करते हैं। तो और उसके साथ साथ अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे ड्रेस अलाउंसेस, आपकी बोनस, जैसे दिवाली में बोनस मिलता है, डेपुटेशन अलाउंसेस मिलता है आपको, रिस्क अलाउंस मिलता है, SF अलाउंसेस मिलता है। ये इन बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, इजीली समझाऊंगा, इसलिए मैंने ये खुद प्रिपरेशन किया है आपके लिए, मतलब प्रिपेयर किया है। और इसके लिए आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मेनली सैलरी होगा ये कांस्टेबल का होगा, चाहे आप कहीं भी आपके नाम के पीछे अगर कांस्टेबल लगाए, कांस्टेबल GD, कांस्टेबल CISF, कांस्टेबल ITBP, कांस्टेबल CRPF, कुछ भी है, सैलरी आपकी इतना ही रहने वाला है। पहले जो आपको मिलता है, पहले मिलता है आपको बेसिक पे, ये सबको मिलता है आपको। जितना ज़्यादा बेसिक पे होगा उतना ज़्यादा आपको पेंशन मिलेगा। तो स्टार्टिंग बेसिक पे कांस्टेबल का होता है 21,700, ठीक है, कितना होता है 21,700। उसके बाद आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मीन जो आप गाड़ी यूज़ करते हैं आपकी रूम से लेके ऑफिस जाने तक, या फिर आपके क्वार्टर से लेके आपके ऑफिस जाने तक आप गाड़ी यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते, साइकिल यूज़ करते हैं, फिर भी गवर्नमेंट आपको उसके लिए 3600 रुपया पे करता है हर महीना। कितना? 3600 रुपया आपको हर महीना पे करता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस मतलब ये रहता है कि आप जैसे क्वार्टर नहीं लेते हो, मतलब आप रह तो रहे हो उधर CRPF में काम कर रहे हो लेकिन आप क्वार्टर नहीं लेते हो, उसके लिए गवर्नमेंट आपको देता है, HRA देता है कि आप हाउस रेंट अलाउंसेस लीजिए। अगर आप क्वार्टर लेते हो तो ये जो हाउस रेंट अलाउंसेस ये कुछ भी नहीं मिलता आपको, ठीक है, क्योंकि ये बंद हो जाएगा ऑलरेडी। आप फौज में क्वार्टर ले रहे हो, फैसिलिटी आप अवेलेबल कर रहे हो, तो ये बाकी चीज़ें नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप नहीं ले रहे हो तो ये चीज़ें, मतलब क्वार्टर नहीं लिए हो तो ये मिलेगा। HRA अभी देखिए मैंने डिवाइड करके रखा XYZ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी ड्यूटी स्टेशन जेड सिटी में है, ठीक है, आपकी ड्यूटी स्टेशन जेड सिटी, जेड होता है वो सबसे जो नीचे वाला सिटीज होते हैं उसको जेड बोलते हैं, उससे ऊपर वाला थोड़ा अच्छा सिटी को वाई, और सबसे अच्छा सिटी को एक्स बोलते हैं। एक्स में काफ़ी 7-8 सिटीज आते हैं, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद आपकी मान लीजिए चंडीगढ़ हो गया, बैंगलोर हो गया, जो टायर वन सिटी होता है ना उसको एक्स, वहाँ पर थोड़ा HRA आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी यूनिट जहाँ पर आप काम कर रहे हो एक्स के जगह है, जो अगर वो सिटी एक्स ग्रुप में आता है यानी एक्स HRA में आता है, तो आपको 6510 मिलता है। ये कितना परसेंट मिलता है? ये मिलता है आपको 30%, ये मिलता है 20%, ये मिलता है 10%, किसकी? आपकी बेसिक पे की। बेसिक पे कितना है आपकी? 21,700 का। 21,700 का अगर 30% निकालोगे तो 6,510 रुपया, वाई निकालोगे तो 4,340, जेड निकालोगे तो 2,170। तो इतना आपकी बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ है। दूसरा ट्रिक मैं आपको एडिशनल देना चाहूँगा, एज ए फौजी होने के नाते लॉस आप कहाँ खाते हैं। मान लीजिए मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूँ, जो कि जेड सिटी में आता है, सबसे नीचे वाले सिटी में आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो जेड सिटी में हूँ, मेरा बेसिक पे 21,700 है, मैं अभी भर्ती हुआ हूँ CRPF में, और 21,700। अब मेरी जो वाइफ है, मान लीजिए मेरी जो वाइफ है, वो गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड का नहीं मिलता, वाइफ है वो रहता है कोलकाता में। मान लीजिए अभी मेरी वाइफ कहाँ रहे? कोलकाता। अब मुझे कितना HRA मिल रहा है? 2,170 मिल रहा है, ठीक है, बेसिक पे का 10% मिल रहा है क्योंकि मेरा यही ड्यूटी है। लेकिन अगर मैं आपकी जो पैटू ऑर्डर होता है जहाँ पर आपकी पब्लिश होता है कि आप कहाँ पर पोस्टेड है, उस हिसाब से HRA जो आपके क्लर्क करता है, क्लर्क को जाके बताओगे कि भाई मेरा जो वाइफ है ना वो रहता है कोलकाता में और मेरे को कोलकाता के HRA चाहिए, क्योंकि जो HRA मिलता है वो आपकी वाइफ को मेंटेन करने के लिए मिलता है, आपकी वाइफ जैसे शादीशुदा हो जाता है आपको क्वार्टर लेने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप वहाँ पर आपकी जो लोकेशन है चेंज कराओगे, क्यों मेरे को घर का एड्रेस का चाहिए, HRA या तो आप जहाँ ड्यूटी है उधर का ले लो, या फिर आपकी घर का लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे वाइफ आपकी दिल्ली में रह रहा है, कोलकाता में, मुंबई में है, जैसे कल एक सर आए थे मेरे पास भोपाल की है, उनकी वाइफ भोपाल में रहती है, उनके घर भोपाल में है, लेकिन वो ले रहे थे 2,170 रुपया जेड का। मैंने उनको बोला कि आपकी वाइफ तो वहाँ है ना भोपाल में, भोपाल वाई ग्रुप में आता है, तो आपकी इतना बन जाएगा, ठीक है। तो उनकी बेसिक पे था कुछ 36,000 रुपया, उस हिसाब से वो ले रहे थे 5,000, लेकिन उनकी बन रहा था 7-8 हज़ार, तो 4-5 हज़ार क्यों लॉस करना। अगर हर महीना हम 4,000 की मतलब लॉस करेंगे तो 48,000 हो गए एक साल में भाई, क्यों
क्यों लॉस करना, आपकी हक है वो लीजिए। समझ में आया? अगर इसके रिगार्डिंग आपको और डाउट्स है या फिर आप चाहते हैं कि मैं सिटी वाइज बताऊं कौन सी सिटी किस ग्रुप में आता है, कौन सा एक्स कौन सा वाई कौन सा जेड, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उस हिसाब से आप पब्लिश कर सकते हैं आपके पार्ट टू ऑर्डर्स। ये ध्यान रखना आपकी वेलफेयर की बात है, आपकी सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। सैलरी एक मोटिवेशन होता है, हमारी दिनचर्या को मतलब फुलफिल करने का एक जरिया है, ठीक है। आई थिंक एचआर आपका क्लियर हो गया है, चलते हैं। उसके बाद आपको डीए मिलता है, ये साल में दो बार बढ़ता है, इसको डियरनेस अलाउंस बोलता है, महंगाई भत्ता बोलते हैं। अभी फिलहाल 50% है किसका, आपकी बेसिक पे का, बेसिक पे आपकी 21,700 है, तो मैंने 22,000 उसको पकड़ा है मोटा मोटा, तो उसकी 50% आपको 11,000 रुपया अभी मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये आगे जाके बढ़ता रहेगा, जैसे आपकी बेसिक पे हर साल 2% बढ़ेगा, डीए दो बार बढ़ेगा, कोई इसका जितना महंगाई बढ़ेगा उतने डीए आपकी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है एलआरए, लिस्ट रेशन अलाउंसेस। रेशन अलाउंसेस यानी मतलब देखिए, जो आर्मी ने भी एयरफोर्स होता है, इनकी राशन फौज से इशू हो जाता है, इनको कोई एलआरए मिलता नहीं है, नॉर्मल 700 रुपया मिलता है, वो कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको मिलता है 4,000 रुपया आसपास, आपको 130 रुपया 129 रुपये का देंगे, 4,000 से लेके ये कभी कभी मतलब वेरी करता है, 4,500 से लेके 5,000 तक के आसपास ये मिलता है आपको, हमने सर्व नीचे लेके चल रहे हैं 4,000 के आसपास। तो यहाँ पर आपकी जो मिल रहा है ये आपकी जो दिन में महीने में आप जो खाते हैं ना उसकी पेमेंट आपको करना होता है, तो गवर्नमेंट आपको पे करता है, आप जहाँ मेसिंग पर खाते हो वहाँ पर आप पे कर देते हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको 4 से लेके 5,000 रुपया हर महीना आपको देता है। अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ, इसको हम 5,000 लेंगे क्योंकि आजकल अलाउंसेस बढ़ चुका है, तो 5,000 लेंगे, ठीक है, ये 5,000 मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 47,810, ठीक है, कितना हो जाएगा 47,810, अगर मैंने ग्रुप एक्स को एचआरए लेके किया है, ठीक है। उसके बाद आपका डिडक्शन क्या होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपके डिडक्शंस क्या होंगे, सॉरी, हाँ, आपकी हो गया सीजी, एक मिनट, ये देखिए सीजीएचएस, ये बता देता हूँ आपको सीजीएचएस क्या होता है। ये होता है एक मेडिकल क्लेम के लिए आपको गवर्नमेंट को एक इंश्योरेंस देना होता है, 280 रुपये का हर महीना कटता है, इसमें आपकी और आपकी फैमिली को कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट वो इंश्योरेंस के जरिए में आपको फ्री ट्रीटमेंट करवाता है। आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स में आप लोग की अच्छा है क्या बताऊँ, उन लोग मिलिट्री हॉस्पिटल में जाता है, मिलिट्री में हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट है उसी को लेना होता है, लेकिन आपका क्या है, ये जो 280 रुपये आप महीने भरते हो ना, खुदा ना खास्ता आपकी मदर फादर बीमार पड़े, आप किसी अपोलो हॉस्पिटल में चले गए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर आपकी 50 लाख लग गए ऑपरेशन में। बेस्ट बात यही है, आप जैसे ला के दोगे यहाँ पर 50 की 50 लाख का क्लेम आपको मिल जाएगा, आपकी 10 लाख खर्चे हुए आपकी 10 लाख का क्लेम मिलेगा, आपकी 5 लाख का खर्चा हुआ किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा लो, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट्स ला के दे दो, आपको गवर्नमेंट आपको दे देगा। ये जो 280 रुपये के इतना फ़ायदा है, आपकी घर में जितने भी डिपेंडेंट्स हैं यानी आपकी मदर फादर, आपकी वाइफ, आपकी बच्चे, आपकी भाई अगर 18 साल से नीचे, और आपकी बहन अगर इनकी शादी नहीं हुआ है अभी तक, तो आप इसकी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो 280 रुपये में बढ़िया फ़ायदा है। ये आपकी अकाउंट से जैसे सैलरी आएगा ये कट हो जाएगा। उसके बाद आपके कट होगा एनपीएस, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। आपको जैसे पता होगा पहले ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस था, लेकिन उसको हटा दिया, सिर्फ आर्मी नेवी और एयरफोर्स को पेंशन मिलता है, आपको नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर एनपीएस के ऑप्शन आपको देता है। मिनिमम आपको 3,000 रुपया डिडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फौज से नौकरी ख़त्म करोगे तो गवर्नमेंट कुछ पैसा देगा, आपकी जो एनपीएस में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट होगा उससे आपको हर महीना पेंशन मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपने कितना कटाया। अब मान लीजिए आप 3,000 के एनपीएस करा के रखा है, अब मैं 10,000 का एनपीएस कराऊंगा, तो उस हिसाब से मुझे पेंशन ज़्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो बेटर यही है कि अगर आपकी बैचलर है, आप आपकी शादीशुदा नहीं है, तो एनपीएस में थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़्यादा करिए, ताकि आप जब रिटायरमेंट प्लान हो जाए आपको बेहतर एक लाइफ मिल सके, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको सुझाव है, बाकी वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 47,810 था, तो यहाँ पर 44,530 आपका सैलरी बन जाएगा, 44,530, ठीक है। ये डिडक्शन होने के बाद थोड़ा आप और डिडक्ट करवाइए, आपको अगर 30-35,000 लेके 10,000 भी एनपीएस में डालेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटायरमेंट होगा। वैसे आपको तभी ज़रूरत है जब आप 50-60 साल के हो जाएंगे, जब आपकी हाथ पैर काम नहीं करेगा। मैं आपको एक बड़े भाई के नाते एक सोल्यूशन दूंगा, एक सजेशन दूंगा कि आप कभी भी ना किसी ये वेट नहीं करना लाइफ में, मेरा लड़का ये लेके आएगा मैं खाऊंगा बुढ़ा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा।
आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, जब मर्जी आपको जो चीज़ खाना है, आज किटकैट की चॉकलेट खाना है, आपके पास 80 रुपये 100 रुपये की स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप जाके खरीद के खा सकें, क्योंकि आपने अपनी पूरी जवानी फ़ौज को दे दिया है, ठीक है, पूरे जवानी फ़ौज को दे दिया है, पूरे मज़े आपने लाइफ में नहीं लिए। और बुढ़ापे में जो अगर आप वेट करो मेरा लड़का चिकन लेके आएगा, मटन लेके आएगा, मैं तब खाऊंगा, फिर आपकी कोई ज़िंदगी का वैल्यू नहीं है। मेरी तरफ से एडिशनल टिप्स है आपके लिए, बाकी मैंने भी फ़ौज में देखा है ये चीज़ें, कोई कोई एक ड्रेस में गुजारा कर लेता है 15 साल, और कोई कोई अपनी लाइफ जी के जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे जीना चाहते हैं। अब बताऊँगा जो एडिशनल अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलता है। अब देखिए SF अलाउंसेस यानी स्पेशल फोर्सेस अलाउंसेस, जैसे आप वहाँ से स्पेशल फोर्सेस 2 टाइप की आपकी होगा, NSG या फिर आप कोबरा में चले गए CRPF में, तो यहाँ पर कोबरा की जो अलाउंसेस है 20,000 के आसपास हर महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और NSG का भी सेम 20,000 के आसपास एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको अलग से मिलेगा आपकी सैलरी छोड़ के। आपको ये एडिशनल अलाउंसेस बता रहा हूँ, अगर आप कोर्स करते हो वहाँ पर काम करते हो तो एडिशनल अलाउंसेस है, ठीक है, अगर आपको मौका मिलता है तो पक्का करिएगा, अच्छी बात है। उसके बाद रिस्क अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस मतलब जैसे ये आपकी सैलरी हो गया 44,530, उसके बाद आप जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है, जम्मू एंड कश्मीर में जो अलाउंस है वो 3,000 से स्टार्ट होता है, 17, 20, 22, 25 तक भी चला जाता है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी एरिया में पोस्टेड है, कितने डेंजर एरिया में पोस्टेड है। यहाँ पर बिल्कुल भी कहना नहीं कह सकते कि आपका इतना ही अलाउंस बनेगा, क्योंकि मान लीजिए मैं अगर अखनूर में हूँ और आप अगर पट्टन या फिर उसके उड़ी वगैरह आगे जाके हैं तो वहाँ पर अलाउंसेस अलग अलग है, यहाँ पर 9,000 है तो वहाँ पर 17,000 है, तो ये डिपेंड करेगा आप कहाँ से पोस्टेड है, तो इसकी जो वेरी होगा 3,000 से लेके 25,000 के बीच में वेरी होता है, या आपको डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पीस एरिया जैसे दिल्ली वगैरह में अगर आप पोस्टेड होते हो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलता। अब आता है डेपुटेशन बेसिस पे, डेपुटेशन बेसिस पे मान लीजिए आपकी किसी एक मतलब ऐसे जो सर्विस होता है डेपुटेशन बेसिस पे आप 3 साल के लिए जाते हैं, जैसे STF हो गया, आप STF में जैसे चले गए, ठीक है, तो स्पेशल टास्क फोर्स में, तो वहाँ पर की अलाउंसेस है आपको 30,000-35,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको डेपुटेशन बेसिस पर अलाउंस जो मिलता है वहाँ पर वो आपको मिलेगा। उसके बाद ड्रेस अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस अभी हर महीना आपको नहीं मिलता, ये मिलता है आपको जुलाई की 1 तारीख को मिलता है, अगस्त 1 में प्रेमेट में आपके आता है, तो वहाँ पर सॉरी अगस्त में ये प्रेमेट में आता है आपकी, तो यहाँ पर आपको 10,000 की अभी फ़िलहाल आपके लिए ड्रेस अलाउंसेस है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 25% से इंक्रीज हुआ है, तो तकरीबन 12,500-13,000 रुपया आपको साल में एक बार मिलेगा। और बोनस अलाउंसेस, ये बोनस मिलता है आपको दिवाली में, बोनस मिलता है ये कुछ 15,000 से लेकर 18,000-20,000 तक मिलता है 1 महीने में, जैसे नवंबर और दिसंबर में ही दिवाली आता है तो उस महीने में मिलता है, ये 2 बार आपको मतलब साल में एक एक बार मिल जाता है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ड्रेस अलाउंस तो आपकी फिक्स है, लेकिन जो बोनस है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि कितना बोनस आपको मिलेगा, ये डिपेंड करेगा बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर। इसके एडिशनल में और कुछ भी अलाउंसेस नहीं होता, कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलता। हाँ, जैसे आप मान लीजिए आपकी बच्चे हो गए ना, जैसे आप शादीशुदा हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो बच्चे के लिए आपको मिलता है वहाँ पर, आपको मिलता है एजुकेशन अलाउंसेस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस CEA, और उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी, ये दोनों आपको मिलता है। अगर आपके बच्चे आपके घर से 50 किलोमीटर दूर रह के हॉस्टल में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, 4,000 से लेकर 8,000 तक बीच में आपको सब्सिडी मिलता है हर महीना, आप क्लेम कर सकते हैं, साल में 60,000 के आसपास आपको मिलता है हॉस्टल सब्सिडी। और CEA मिलता है साल में एक बार मिलता है, जो कि अभी बढ़ के पहले 27,000 था, अभी बढ़ के ये 33,000 से लेकर 35,000 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। CEA ये फिक्स ये 2 बच्चे के ही मिलेगा, तीसरा बच्चा अगर आपका होगा तो नहीं मिलता है, ये जैसे 3 साल से ऊपर जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो उसकी स्कूल फीस का आपको लगे कि प्रिंसिपल से साइन करा के देना पड़ेगा, तो ये फिक्स अमाउंट है आपको 33,000, दोनों बच्चे के 33+ 66,000 मिल जाएगा एक साल में अगर आपके 2 बच्चे हैं। ये एडिशनल केस है, ये आपको पता होना चाहिए, आगे जाके नौकरी करोगे ना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो कैसे क्लेम करोगे, इसीलिए मैंने ये एडिशनल पॉइंट्स भी डाला। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी ऑफ ए लेफ्टिनेंट, जब आप आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेंगे आपके कितनी सैलरी बनेगा, या फिर फौज से सिपाही से आप लेफ्टिनेंट बन रहे हैं जैसे SCC थ्रू के, वहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगा हम बात करेंगे। आई होप आपकी कांस्टेबल का जो वो था डाउट था आपकी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। आपके कोई और डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइज। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।